जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। अब जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना। ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागोल से, जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागोल से एलबी नगर, एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा, चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड, P7 रोड से सीधा सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा, फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहा है। चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाईकोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में, वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हयात नगर तक दिए, और हम लोग चंद्रा अपना चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे, वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसुलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो जो वहां पर मिनी जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन किए। ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर Phase 2। ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेज चुके हैं। अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे, उसमें हमारा दोस्त का ये कि शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर वन। द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे। और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब। इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देखे ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस OBC को आपको ज्यादा प्यार है। OBC के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्रास कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के B-Form लिए तो अकबर साहब को जिताने का जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं साहब, साहब का, साहब का, मेरा दोस्त, मेरा B-Form, मेरा पार्टी के B-Form ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा, इधर हमारे भाई को हम डिप्टी CM बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा, फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए,
साहब को अगर अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए 2675 करोड़ से, गावलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा, फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरे जिम्मेदारी है। बींग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूँ आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। अकबर साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, फॉर अ चेंज वी हैड लॉट ऑफ लाइटर मोमेंट्स एंड ऑल द हाउस वाज इनटू लाफ्टर सर, बट आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट आई एम हैप्पी इन माय पार्टी। अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुसलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। सर, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस, द वोट्स विच वे सीक्ड इन द असेंबली इलेक्शंस एंड देन आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। सर, इन दैट सर द कांग्रेस मेंटेन्ड अ लीड इन 64 सीट्स इन आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस, बट इन 15 सीट्स वेयर कांग्रेस हैड वन इन द असेंबली द बीजेपी गेन्ड इन द लोकसभा इलेक्शन। सर सर सिमिलरली आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल अबाउट कोडंगल constancy. The Chief Minister Revanth Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes. When Revanth Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर ना नहीं नहीं I'll tell wait sir wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if you have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, K.T. Rama Rao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. Sahi aapki baat. Main wo bhi bata raha hoon. लेकिन सर आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट सर यू माइट बी हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग विद 8, आई एम योर टू फ्रेंड ट्रू फ्रेंड, इट इज नॉट अ हैप्पी मोमेंट सर, वी नीड टू लुक इनटू द रीजंस एज टू व्हाई द कांग्रेस कुडंट गेट मोर देन 8 सीट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वुड से दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 12 to 15 सीट्स। तो हमको यह देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई डोंट वांट टू कम टू कोडंगल सर। सर गोइंग फर्दर अहेड सर, सर गोइंग फर्दर अहेड सर, इन एजुकेशन आई विल कंक्लूड सर। सर इन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस सर देर आर 56 इंस्टीट्यूट्स, सैंक्शन पोस्ट आर 1675 एंड the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the total, the vacancies in these colleges are 74%. And I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir. So the total number of schools are 26,065, sir. Wo election se pehle kuch kare the, wo schools ka kya tha? Kuch program kare the, I'm just... Manavadi. Haan,
साहब मनवाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम। आई वाज जस्ट कमिंग, द कॉन्ट्रैक्टर सेड सर वो प्रोग्राम कराए, अब तक पैसे नहीं दिए। जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब। एंड शॉकिंग फिगर्स आर सर, सो द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन 24,000 सर, अगर इफ यू हैव टू सी सर द ड्रिंकिंग वाटर, देर आर मोर देन 10% स्कूल जहां पे ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट देयर। कंपाउंड वॉल सर स्कूल्स में नहीं है आर 34%। सर इलेक्ट्रिसिटी जो स्कूल्स में नहीं है 6%। प्लेग्राउंड जहां नहीं है वहां 40%। कंप्यूटर रूम्स जहां नहीं है 38%। टॉयलेट जहां नहीं है 12%। एडिशनल क्लासरूम्स 8%। साइंस